बच्चों आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद क्लास सिक्स, अखबार पढ़ने के फ़ायदे पर मज़मून। अगर लिखने को आए तो आप इस तरह से लिखें, हर इंसान ख्वा वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, उसको दिन भर की मैं मुशक्क के बाद थोड़ी सी तफरी की ज़रूरत हो। वे तफरी ख्वा खेल की कूद की हो या किस्से कहानियों की हो या किसी और का से। लेकिन तालीम हासिल कर रहे बच्चे या बड़े या तालीम से फारिग होने वाले लोगों के लिए अखबार बीनी नहायत सस्ती और बेहतरीन जरिया है। अखबार में अपने मुल्क की खबरों के अलावा गैर ममालिक की खबरें भी होती हैं, जिनको पढ़ने से दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होता है, और गैर मुल्कों सी गैर मुल्की खबरों से अपने मुल्क के बारे में मालूमात फराहम होती है। अखबार में बड़े बड़े लीडरों की मुल्क और कौम के बारे में तकरीरें होती हैं, हुकूमत क्या कर रही है इसकी खबरें होती हैं, हुकूमत मुल्क की तरक्की और कौम की भलाई के लिए क्या कर रही है, ये सब अखबार में पढ़ने से मालूम होता है। इसके अलावा मौसम के बारे में भी अखबार में बताया जाता है। कुछ ऐसी पेंशन गोइयाँ भी अखबार में होती हैं जिनसे मालूम होता है कि कहाँ से जलजला आए और कहाँ ज़बरदस्त बारिश। कुछ खबरें खेल कूद के बारे में भी होती है, कहाँ किस मुल्क की टीम कौन कौन से खेल खेल रही है। आमतौर पर इन खेलों की खबरों ज़्यादा होती है, मसलन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और मुक्केबाजी वगैरह। इसके अखबार पढ़ने से हर पढ़ा लिखा या तालिब इल्म कुछ ऐसे अल्फाज से वाकिफ़ होता है जो उसके लिए नए हों। ख़ास तौर से अखबार से तालिब इल्म को बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो ये मालूम हुआ कि अखबार बीनी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अखबार बीनी से मालूमात के अलावा काबिलियत भी तालिब इल्म पैदा कर सकता है, क्योंकि हर अखबार में एडिटोरियल और ऐसे खतूत जो किसी ना किसी मसले के बारे में लोग लिखते हैं। गरज ये कि अखबार से बहुत कुछ मालूमात हासिल होती है। अखबार हमारा बेहतरीन दोस्त बन सकता है उस वक्त जब हम अखबार पढ़ा करें, इसीलिए तालिब इल्मों को ख़ास तौर से ऐसे साथी से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अखबार पढ़ने के फ़ायदे के बारे में वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताते रहिए आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।